हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे IBPS क्लर्क प्री सेल्फ गिवेन एग्ज़ाम एनालिसिस 2019 के बारे में, और देखेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था और इस पे गुड अटेम्प्ट कितने किए जा सकते थे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में 10 RC के क्वेश्चन पूछे गए थे और 4 से 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट और 4 से 5 क्वेश्चन रीअरेंजमेंट पूछे गए थे और 4 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के पूछे गए थे और 4 क्वेश्चन फिलर्स के पूछे गए थे और 4 क्वेश्चन स्पेलिंग टेस्ट से भी पूछे गए थे। 3 से 4 क्वेश्चन स्पेलिंग टेस्ट में, मैं बात बता दूं आपको, 2 वर्ड पूछे गए थे, एक नहीं 2 से 3 वर्ड पूछे गए थे। इसमें से 2 वर्ड थे, एक इनफ था और एक वाट एवर करके कुछ वर्ड था। और जो RC में सिनोनिम एंटोनिम पूछे गए थे उसमें से मैसिव पूछा गया था और एक वल्नरेबिलिटी पूछा गया था। तो अब देख लेते हैं क्वांट और रीजनिंग का। देखने से पहले मैं इसका गुड अटेम्प्ट बता दूं, अगर आपने 25+ इंग्लिश में अटेम्प्ट किए हैं तो ये आपका गुड अटेम्प्ट है। तो अब देख लेते हैं कि क्वांट और रीजनिंग में क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और इसका गुड अटेम्प्ट कितना है, और आगे बात करेंगे कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए। क्वांट की बात करते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के पूछे गए थे, बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन थे ये। और 1 DI सेट बार ग्राफ पूछा गया था और 5 क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन पूछे गए थे और 5 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज़ के पूछे गए थे और 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक के पूछे गए थे। वो 10 to 12 क्वेश्चन अर्थमेटिक के पूछे गए थे, जिसमें से SICI, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एज, इन पर क्वेश्चन, सब पर एक एक क्वेश्चन पूछा गया था। और इसका गुड अटेम्प्ट मैं बता दूं, अगर आपने 25+ या 26, 27, 28 अटेम्प्ट किए हैं तो ये आपका गुड अटेम्प्ट मैथ में होगा। तो अब देख लेते हैं रीजनिंग में। सबसे पहले रीजनिंग के गुड अटेम्प्ट मैं आपको बता देता हूं। तो रीजनिंग के गुड अटेम्प्ट 28+ होंगे या 30, 32 तक भी लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। तो रीजनिंग में क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या आए थे। रीजनिंग की बात करें तो 4 पजल्स आई थी, पैरेलल रो बेस्ड पजल आई थी, जिसमें 6% साउथ देख रहे थे और 6% नॉर्थ देख रहे थे। और 2 और नंबर दूसरी जो पजल थी वो स्क्वायर बेस्ड पजल थी, जिसमें कॉर्नर वाले आउटसाइड फेसिंग थे और जो मिडिल वाले पर्सन थे वो इनसाइड फेसिंग थे। और एक मंथ बेस्ड पजल आई थी, जिसमें शायद मूवी को अरेंज करना था। और एक अनसर्टेन नंबर वाली पजल भी पूछी गई थी और 2 मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें वर्ल्ड की काउंटिंग करनी थी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और एक क्वेश्चन और पूछा गया था। और सिलॉक के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे 3। इनइक्वालिटी नहीं पूछी गई थी, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, हाँ। और एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पूछी गई थी, 5 क्वेश्चन उसके पूछे गए थे। तो अब देख लेते हैं कि ओवरऑल गुड अटेम्प्ट, अगर आपने 78+ गुड अटेम्प्ट किए हैं, 78+ अगर आपने गुड अटेम्प्ट किए हैं तो ये आपका गुड अटेम्प्ट, ओवरऑल गुड अटेम्प्ट होगा। और कुछ लोगों ने तो 85 तक भी किए हैं, तो अगर आप 85 तक करके आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है कि मैं आगे की वीडियो में बाद में डिस्कस करूँगा। तो थैंक यू, आपको वीडियो कैसी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।